In this video, again we start certain numericals of kinematics to make us understand kinematics well. Class 11th, topic kinematics. Now, with this, let's take one of the NCERT numericals, 3.4. You can see the numerical, drunkard walking in a narrow lane. आप पढ़ सकते हैं इस न्यूमेरिकल को, आराम से एक मिनट पढ़ लीजिए. नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इसमें यह है, 5 स्टेप आगे 3 स्टेप पीछे 8 सेकंड में वो ड्रंकर चलता है. इसका मतलब नेट ही ट्रेवल्स 2 मीटर्स इन 8 सेकंड्स. तो उसकी स्पीड लगभग 4 हम गिन सकते हैं. बट द आंसर विल नॉट बी 13/4 डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. से हम टाइम नहीं निकाल सकते. क्यों नहीं निकाल सकते उसको समझिए. देखो वो 5 एक तरफ चलता है, 3 एक तरफ. तो पहले 8 सेकंड में वो चलता है 2 मीटर. दैट मींस इन 16 सेकंड्स इट ट्रेवल्स 4, 24 सेकंड्स इट ट्रेवल्स 6, 32 सेकंड्स इट ट्रेवल्स 8. वंस इट हैज रीच्ड 32 इन 32 सेकेंड्स 8 मीटर, नेक्स्ट जर्नी ही विल ट्रेवल 5 मीटर एंड फॉल इन अ पिट. बाहर नहीं आ सकता उससे, उसको वापस नहीं आना. यही इस पूरे क्वेश्चन का कैच है. समझिए इसको, ग्राफ आपके सामने है. जहां से पहले जाएगा 5 तक, फिर वापस, फिर 5 आके, फिर नीचे, फिर 5. अब जब वो यहां पहुंच गया, 32 सेकेंड्स गुजर गए, तो उसके बाद अगले स्टेप में वो आगे चलेगा. जो ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है वो होनी ही नहीं है, बिकॉज वो पिट में गिर चुका, वापस नहीं आएगा. इसीलिए क्वेश्चन का आंसर ये है. नेक्स्ट स्टेप पे आप इसको देखिए, मैथमेटिकली जो मैंने आपको बात बताई, पर 8 सेकंड ट्रेवल्स 2 मीटर, लास्ट का जो 5 मीटर बचेगा उस तक वो 32 सेकंड खत्म हो चुके हैं, और अगले 5 सेकंड है उतना चल जाएगा. सो टोटल टाइम इलैप्सेस 37 सेकंड. इसमें आपको सिर्फ लास्ट के 5 सेकंड पर उधर ध्यान देना. आइए एक और क्वेश्चन करें. इसमें 2 ट्रेन हैं, उनकी लेंथ दी हुई है आपको, बीच का डिस्टेंस निकालना है आपको. बोथ हैव स्पीड यू हैव गिवन 72 किलोमीटर पर आवर. अब एक्सेलरेशन दे दिया उसने बी का, विच इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 50 सेकंड बाद बी उसको ओवरटेक कर लेता है. आइए इसको समझने की कोशिश करें. पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिंस द वेलोसिटी इज किलोमीटर पर आवर, विल कन्वर्ट टू मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय 5/18 मेक्स 20 मीटर पर सेकेंड. ये हमको पहले लेना पड़ेगा. एक्सेलरेशन ऑलरेडी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है, डिस्टेंस मीटर में है, इसके लिए विल कन्वर्ट एवरीथिंग इन एमकेएस यूनिट्स. अब द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इन 50 सेकंड्स हैज टू बी यूटी प्लस 5/18 स्क्वायर. स्ट्रेट फॉर्मूला विल मेक इट, दैट कम्स आउट 2250 मीटर. बट ए हैज ऑल्सो ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस इन दैट. ए का डिस्टेंस कितना चला, 20 to 50, which is 1000 meters. So बीच का जो डिफरेंस होगा वही डिस्टेंस असल में ट्रेन के बीच का ओरिजिनल डिस्टेंस. अब इसी क्वेश्चन को आप रिलेटिव मोशन से भी कर सकते हैं. कंसिडर दैट ए इज नॉट मूविंग, बी की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए आगे लेंगे तो वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी बिकम जीरो, सिर्फ एक्सेलरेशन बचेगा. उसको देखते हुए रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट में क्या है, वी बी माइनस वी ए विल बी जीरो. दैट मीन्स बी के कंपेरिजन में ए मूव नहीं कर रहा, एक कंपैरिजन बी मूव नहीं कर रहा. सो अब बीच का डिस्टेंस जो भी होगा वो 50 सेकंड्स की एक्सेलरेशन निकल जाएगा स्ट्रेट में. तो आपने एक्सेलरेशन ले ली 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस निकाल दिया 1/2 AD स्क्वायर, और वही बीच का डिस्टेंस है. दैट इज अ वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन अदर मेथड. लेट्स टेक वन मोर न्यूमेरिकल, 3.8 न्यूमेरिकल ऑफ एनसीईआरटी का. देख सकते हैं आप, ए कार ट्रेवलिंग 36 किलोमीटर पर आवर, बी एंड सी अप्रोचिंग 54 किलोमीटर पर आवर, और जब दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, सो बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए बिफोर सी डज. सो वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस. जरा आराम से इस क्वेश्चन को फिजिकली समझते हैं, इसका डायग्राम प्लॉट करते हैं. देखिए ए राइट साइड जा रहा है, बी भी राइट साइड जा रहा है, सी ऑपोजिट साइड पे आ रहा है. बीच का डिस्टेंस सबका 1000 1000, 1 किलोमीटर को मैंने 1000 कर दिया. अब वेलोसिटीज को भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर को. आपको पता है 36 किलोमीटर पर आवर विल बिकम 10 मीटर पर सेकंड, 54 किलोमीटर पर आवर विल बिकम 15 मीटर पर सेकंड. आप इसे कन्वर्ट कर लीजिएगा, बिकॉज हमेशा आपको एक ही यूनिट में सब करना पड़ेगा. अब
इस सवाल के जरा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। एक्चुअली यू आर नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस इन दी वेलोसिटीज ऑफ ए एंड सी, सो ए एंड सी आर गोइंग टू मीट आफ्टर सम टाइम समवेयर, जहां पर भी वो मिलेंगे ए और सी में इस 1000 मीटर के बीच में मिलेंगे कहीं पर, और कुछ टाइम बाद मिलेंगे। सपोजिंग दैट टाइम इज टी, उतने ही टाइम में बी को कितना चलना पड़ेगा, 1000 बी ए वाला डिस्टेंस प्लस एक्सेस जो भी ए चल चुका है, ये इस पूरे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। अब हम इसको यूज करेंगे। यहां देखिए ए एंड सी विल मीट, अगर दोनों की स्पीड 10 और 15 ले ली मैंने, ऑपोजिट साइड में चल रहे हैं, तो 10t प्लस 15t 400 विच गिव्स मी टाइम 40 सेकंड हो गया। अब इस 40 सेकंड के अंदर ए कितना चलेगा, इट विल ट्रेवल 400 मीटर बिकॉज की स्पीड 10 है। इसका मतलब बी को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, यहां ध्यान का क्वेश्चन आता है, बी को डिस्टेंस ट्रेवल करना है 40 सेकंड्स में 1400 मीटर्स, बी का डिस्टेंस जो चलना है, क्योंकि टाइम वही रहेगा और डिस्टेंस को 400 ए का चला वाला और बी ए का ओरिजिनल डिस्टेंस। हमने लगा दिया ए डी की वैल्यू 1400 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर से वैल्यू पुट कर दी, आपके पास आंसर सॉल्व करके 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। देखिए मैथमेटिकल चीज पे ज्यादा ध्यान मत दें क्योंकि वो तो आपसे हो जाएगा, मेनली कॉन्सेप्ट को समझ करके हम इक्वेशन बनाने पर काम करें। अगले में आइए, अगर मैं इसी क्वेश्चन को रिलेटिव वेलोसिटी से करना चाहता हूं, तो मैंने सी को स्टेशनरी मान लिया और ये जानना चाहता हूं कि एक बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सी क्या बनती है और वी ए बी क्या बनता है। वी ए सी की वेलोसिटी हमारे पास 15 प्लस 10 25 हो जाएगा बिकॉज एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे हैं, इसी तरह वी ए बी बन जाएगा 30 मीटर पर सेकंड बिकॉज 15 उसका है 15 उसका ऑपोजिट। अब हम ये रिलेटिव वेलोसिटी लेकर रिलेटिव डिस्टेंस हमको कितना कवर करना है, ये आप देखिए रिलेटिव डिस्टेंस हमको कवर करना है 25t प्लस 1000, क्योंकि जितना डिस्टेंस उसने चलना है। अब इसलिए हम इस पूरी इक्वेशन को दोबारा रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, 25t प्लस 1000 व्हिच हैज टू बी ट्रेवल्ड बाय बी इज इक्वल टू 30t प्लस हाफ 80 स्क्वायर, आपने कर दिया तो उसकी वैल्यू पुट कर दिया आपने 1200 प्लस 800 ए, आपकी ए की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपने सी को कांस्टेंट मान के इन दोनों को चला दिया तो भी आपका वही आंसर आ गया। इट ऑल डिपेंड्स, आपको जो कॉन्सेप्ट इजी लगे आप उसको यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, टू टाउन्स हैं, 3.9 का ये भी क्वेश्चन है, ए और बी टाउन है, बस बीच में चल रही है 3 मिनट्स के ऊपर, एक साइकिल से एक आदमी जाता है 20 किलोमीटर पर आवर में, वो एक साइड में जाता है बस की साइड में तो 18 मिनट में उसको हर बार बस मिलती है, ऑपोजिट साइड में जब चलना शुरू करता है तो हर 6 मिनट में उसको बस मिलती है। आपको बस का पीरियड टाइम पीरियड निकालना है, कितनी देर बाद बस आ रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी और कितनी स्पीड बस की है। अब यहां पर कॉन्सेप्ट देखिए, बसें दोनों साइड से रेगुलर चल रही हैं, इसका मतलब बसों के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है, बसों के बीच का टाइम हमेशा कांस्टेंट है। आपके सामने डायग्राम बना दिया। अब साइकिल, जिस समय साइकिल राइट साइड पे जा रही है, लेफ्ट साइड से आने वाली ये वाली बस उसको जल्दी मिलेगी क्योंकि दोनों की रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएंगी, इसमें रिलेटिव स्पीड कम हो जाएगी जो पीछे वाला सिस्टम, बस इसको ध्यान रखिएगा, और बसों के बीच की दूरी सेम रहनी है, हमने इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। आइए, डिस्टेंस बिटवीन द बस हमने मान लिया विच इज वेलोसिटी ऑफ बस इनटू टाइम विच इज डी। अब उतना ही डिस्टेंस हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे साइक्लिस्ट का, उसका सेम डायरेक्शन में जब चलते हैं तो हमारी वेलोसिटी वीबी माइनस 20 होती है और ऑपोजिट डायरेक्शन में वीबी प्लस 20 होती है। अब वीबी माइनस 20 ये सारा कैलकुलेशन हमारी किलोमीटर पर आवर में मैंने रखी है, बुक में किलोमीटर पर आवर में दी हुई इसी मिनट में, इसलिए अब हमारे डिस्टेंस वाइज देखिए वीबी माइनस 20 के टाइम पर बस हमें कितनी देर मिलती है, 18 मिनट में, और जब वीबी प्लस 20 है तो 6 मिनट में। पर ये दोनों के दोनों मिलकर किसके बराबर होंगे, ये VB into T के बराबर होंगे बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन द बसेस। इसको आप जैसे सॉल्व करते हैं, आपके पास पहली दो इक्वेशन से इन दो का यूज करेंगे, इस तीसरे को अभी आप भूल जाएंगे फॉर द टाइम बीइंग, आपको VB की वैल्यू 40 किलोमीटर पर आपके पास आ जाती है। तो दिस इज द आंसर फॉर द वेलोसिटी ऑफ द बस। अब रह गया इसका डिस्टेंस निकालना, आप पहले में और इसमें पहली एक दो तीन, पहला दूसरा तीसरा, आपने पहले दो सौ यूज कर दिया, अब तीसरे को यूज करना है, आप दूसरा पहला कोई सा यूज कर सकते हैं, मैंने इसमें पहला वाला इससे यूज कर दिया, उससे टी की वैल्यू बस 9 मिनट्स आ गई। रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट लगाया हमने, बस कितना चली वो लगाया, और हमने ये लगाया कि बसों के बीच दूरी हमेशा कॉन्स्टेंट रही है। दिस वॉज द कॉन्सेप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर। अब आइए
एक अलग न्यूमेरिकल बाहर का करते हैं, जिसमें एक हॉट एयर बलून जो है ऊपर जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड से, और 90 मीटर जब वो ऊपर है तो उसमें से पैकेट को ड्रॉप किया। क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डज द पैकेट टेक टू रीच द ग्राउंड, विद व्हाट स्पीड डज इट हिट द ग्राउंड, पहला सवाल। आप ये मत समझिएगा कि पैकेट को ड्रॉप किया मतलब पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। यूजुअली जब हम किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो माइंड में हमारा कॉन्सेप्ट इनिशियल वेलोसिटी जीरो का आता है, बट लेकिन वो जहां से ड्रॉप करा है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। इसका मतलब अब बैलून क्योंकि ऊपर जा रहा है, बैलून के पैकेट की अपवर्ड वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड इनिशियली हो जाएगी उस पैकेट की, क्योंकि बैलून से पैकेट निकल रहा है। तो आपको उसको ध्यान रखना है, ध्यान दीजिएगा। इसको हम इक्वेशन लगाएंगे, आपको पता है एच कितना है, -90 इसके लिए, क्योंकि मैंने उस रेफरेंस पॉइंट उस बैलून के उस पॉइंट को ले लिया जहां से पैकेट को ड्रॉप किया। इस समय यू 15 है और ए की वैल्यू मैंने आपको बताया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम लोग अपने कैलकुलेशन में -10 लेते हैं, 10 तो 9.8 को 10 ले लिया, आपके सारे न्यूमेरिकल्स में 9.8 को मैं 10 लेके चलूंगा बिकॉज कैलकुलेशन आसान हो जाए, लेकिन जो भी एग्जाम में क्वेश्चन होगा उससे पता लगेगा आपको वैल्यू जी की 9.8 लेनी है या 10। अगेन वो कैलकुलेशन पार्ट है लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। अब जी की वैल्यू -10 है, आपको निकालना टाइम और वेलोसिटी। अब सब कुछ एसआई यूनिट्स में है, आइए इसको करने की कोशिश करते हैं। हमने इक्वेशन बनाई -90 इज इक्वल टू 15t -5t स्क्वायर, सिंपल ut -half t स्क्वायर, और इस इक्वेशन में हमारे पास आ गया सिंप्लीफाई करके इक्वेशन, इक्वेशन को मैंने सॉल्व कर दिया। आप देखिए इसको जीरो मैंने पुट किया, मेरे पास एक आंसर 6 सेकंड आया और -3 सेकंड आया। आपको पता है -3 वाला हमारे लिए साइन बेकार है, हम टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, हम प्लस को लेके चलते हैं, तो हमारे पास 6 सेकंड का टाइम आ गया। तो 6 सेकंड के बाद बॉडी को ग्राउंड पे टच करना है। ध्यान दीजिएगा, जो बॉडी हवा में ड्रॉप कराई जाती है वो 6 सेकंड में 180 मीटर चलती है, ये कुल 90 चली है बिकॉज इसमें इनिशियल अपवर्ड वेलोसिटी है, यही इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट था। अब सवाल यह है ये नीचे कैसे टच करेगा, उसकी वेलोसिटी बताइए। हमारे पास फॉर्मूला है v = u + at, आपने v की वैल्यू के लिए u को ले लिया 15 और -10 इनटू से -40। अब अगली चीज ध्यान देगा, हमारे पास इसी क्वेश्चन को हम v स्क्वायर = u स्क्वायर + 2as से भी कर सकते हैं। आपको पता है s इसमें 90 मीटर है और a भी मालूम आपको -10 है, मैंने उससे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताने की कोशिश करी है कि v स्क्वायर = u स्क्वायर + 2as। अब यहां पर सवाल यह है क्योंकि v का स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर विल बी वैल्यू निकालने के लिए तो ये वैल्यू 45 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। इसमें थोड़ा सा यहां पर एरर है, इट इज 2025, सॉरी ये जीरो बीच में लिखना रह गया, इट इज 2025, ये 90 इंटू 10 900 इंटू 2 1800 प्लस 225, ये 2025 है, थोड़ी टाइपिंग एरर हो गई है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इट। अब इसकी वैल्यू प्लस माइनस 45 आए, अब प्लस 45 माइनस 45, यहां पर आंसर माइनस 45 है क्योंकि यहां पर हमें कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि बॉडी अल्टीमेटली नीचे जा रही है और आपको पता है डाउनवर्ड वेलोसिटी इज नेगेटिव, डाउनवर्ड वेलोसिटी इज नेगेटिव, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, डाउनवर्ड मीन्स नेगेटिव, इसको आप यूज करेंगे, इसलिए इसका आंसर हम माइनस 45 लेके चलेंगे। ये शुरू में इक्वेशन ली हमने, उसको यूज कर दिया, थैंक यू। अगला क्वेश्चन देखें, ये एक और टाइप का क्वेश्चन है जिसमें पानी गिर रहा है 180 सेंटीमीटर ऊपर के नलके से और ड्रॉप्स रेगुलर इंटरवल पे गिरते हैं जैसे, लेकिन इससे क्वेश्चन दिया जब पहला ड्रॉप जमीन को टच करने वाला है, व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप इज स्ट्राइकिंग द ग्राउंड एट द सेट फोर्थ ड्रॉप इज बिगिन टू फॉल, इसका मतलब दूसरा और तीसरा ड्रॉप बीच के अंदर है। व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक्स द फ्लोर हाउ फार बिलो द नोजल आर द सेकंड एंड थर्ड ड्रॉप, रिमेंबर ये डिस्टेंस 160 डिवाइड बाय 3 नहीं होगा क्योंकि जैसे जैसे समय गुजर रहा है बॉडी का डिस्टेंस ट्रेवल बढ़ता जा रहा है बिकॉज बॉडी में एक्सेलरेशन है। अब जो फोर्थ ड्रॉप है उसको उसके पास टाइम मैक्सिमम है, थर्ड ड्रॉप के पास टाइम थोड़ा कम है और सेकंड के ड्रॉप और कम है, तो हमारा टाइम कम हो रहा है लेकिन हमारे पास फॉर्मूले में यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर और एक्सेलरेशन इसमें है, इस वजह से हमारा डिस्टेंस सेम नहीं होगा। डायग्राम थोड़ा समझिए, आप देख सकते हैं फर्स्ट बिल्कुल नीचे पहुंच चुका है विच इज 1.8 मीटर, सेकंड थोड़ा सा ऊपर है, थर्ड और फोर्थ वहां से निकलने वाला है। अब हम इसको, अब इसमें देखिएगा हमारे पास अगर इसके इसके बीच में टाइम एक्स है तो इसके इसके बीच में भी एक्स है, इसके इसके बीच में भी एक्स है, इसका मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 3x, वेयर x इज द डिस्टेंस
बिटवीन द टू ड्रॉप्स कमिंग डाउन। अब आप एच लेते हैं, मैंने एच को माइनस 1.8 ले लिया, यू को जीरो ले लिया, ए को जी को माइनस 10 और टी ये निकालने की कोशिश करी, फॉर्मूला लगा दिया और आपके पास टी की वैल्यू 3/5। 3/5 किसका टाइम है सर? पूरे टाइम का आया, दैट मीन्स 3x इज 3/5, तो x की वैल्यू 1/5, तो पर ड्रॉप के बीच की दूरी 1/5 सेकंड है। इसका मतलब सेकंड ड्रॉप का डिस्टेंस निकालने के लिए आपको h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर में t को 2/5 पुट करना है और थर्ड के लिए 1/5 क्योंकि उतना कम चले हैं। आइए द टाइम बिटवीन सक्सेसिव ड्रॉप्स इज 1/3 to 3/5 विच इज 1/5 सेकंड। अब हम एक एक करके इसका आंसर निकालेंगे। थर्ड ड्रॉप का डिस्टेंस निकालिए हाफ ए टी स्क्वायर विच इज 0.2 मीटर। इस तरह सेकंड ड्रॉप का डिस्टेंस निकालिए हाफ ए टी स्क्वायर 0.8 मीटर। आप देख सकते हैं पहले वाला चला है जो सबसे थर्ड फोर्थ के बीच की दूरी 0.2 है, सेकंड थर्ड के बीच की 0.8 है, उसके नीचे वाले की 1.8 है। इसका मतलब कितना ज्यादा फर्क लास्ट में आता जा रहा है, आपका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। चलिए आइए नाउ वन मोर एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल जिससे आपको समझना है। बॉडी ट्रेवल्स 11/36 h, h इज द हाइट इन लास्ट सेकेंड आफ्टर ड्रॉपिंग फ्रॉम हाइट h, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। 11/36 ऑफ इट्स हाइट लास्ट सेकेंड में चलती है, बाकी पहले चल जाती है। आइए इसको हम समझते हैं। वी ब्रेक जर्नी दो हिस्सों में बांट लीजिए। एक तो 11/36 अगर लास्ट में चलता है तो h माइनस 11/36 विच इज 25/36 इट ट्रेवल्स इन फर्स्ट सम टाइम एंड इट ट्रेवल्स 11/36 h इन वन मोर सेकेंड। तो t टाइम में पहले चलता है और 1 सेकेंड में बाद में चलता है। पर अगर मैं प्रॉब्लम हमारी क्या आने वाली है, अगर हम सेकेंड जर्नी की बात करें, डायग्राम समझिए, हमने पहले हिस्से में टाइम t दे दिया, दूसरे हिस्से में टाइम 1 सेकंड लीजिए। अगर मैं इस जर्नी की वेलोसिटी इसमें कोई इक्वेशन लगाना चाहता हूं तो मेरी u यहां जीरो नहीं है, यहां पर कुछ u बन चुका है, तो मेरे पास कॉन्सेप्ट लंबा पड़ जाएगा, पहले मुझे यहां का u निकालना पड़ेगा जो लंबा कॉन्सेप्ट है। इसलिए सिंपल तरीके में हम इस जर्नी को दो हिस्सों में इस तरह बांट देंगे, पहले ये जर्नी और फिर ये पूरी जर्नी जिसका टाइम टी प्लस वन मान लेंगे। देखिए अब हम इसी जर्नी को इजी करने के लिए 25/36 h मेकिंग इन टाइम टी एंड देन h टेकिंग इन टाइम टी प्लस वन। अब मुझे मेरा दोनों केस में अब u वही रहेगा, इसको मैं यूज कर पाऊंगा आगे देखिए। इसलिए मैंने टोटल टाइम अब क्या हो गया टी प्लस वन। देखिए दोनों में इक्वेशन लगा दी मैंने, हाफ जी टी प्लस वन होल स्क्वायर एंड 25/36 h हाफ जी टी स्क्वायर, दोनों को मैंने यूज किया, सिंप्लीफाई मैंने किया, डिवाइड कर दिया बेसिकली, जैच की वैल्यू पुट कर दी, कुछ भी आप कह दीजिए। आई गेट 25/36 t अपॉन t प्लस 1 का होल स्क्वायर, t बिकम्स 4। पर यहाँ ध्यान देना t मीन्स 25/36 h की दूरी, पूरे h के लिए क्या टाइम है t प्लस 1, तो t प्लस 1 आपको 5 सेकंड लेना पड़ेगा, इसलिए आपको h निकालने के लिए 5 × 5 स्क्वायर विच इज 125 मीटर। राइट, अब आप एक और न्यूमेरिकल देखेंगे। स्टील बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द बिल्डिंग्स रूफ पासेस द विंडो टेकिंग 0.1 सेकंड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द बॉटम टू द विंडो डिस्टेंस ऑफ 1.65 मीटर। इट देन फॉल्स टू अ साइडवॉक एंड बाउंसेस बैक मूविंग विद फ्रॉम बॉटम टू टॉप इन 0.1 सेकंड्स। एज्यूम दैट द अपवर्ड फ्लाइट इज एन एग्जैक्ट रिवर्स ऑफ द फॉल, द टाइम द बॉल स्पेंड्स बिलो द बॉटम ऑफ द विंडो इज 0.6 सेकंड्स, हाउ टॉल इज द बिल्डिंग। आइए इसको डायग्राम से पहले हमें क्वेश्चन समझना पड़ेगा, मैंने डायग्राम बना दिया। अब देखिए हमारे पास 1.65 मीटर की विंडो है जिसको ट्रेवल करने में 0.1 सेकंड बॉल लगाती है, ऊपर की हाइट x है, इसके ऊपर की हाइट x है जिसका टाइम मुझे मालूम नहीं है, 1.65 मीटर के लिए 0.3 सेकंड है, उसके बाद बॉल नीचे आई, नीचे से फिर ऊपर गई, इस पूरे के दौरान टाइम इज 0.6 सेकंड, इसका मतलब सिर्फ आधे जर्नी का टाइम इज 0.3 सेकंड। अब देखिए एक्स डिस्टेंस के लिए टाइम टी है तो एक्स प्लस 1.65 के लिए टाइम 0.1 सेकंड एक्स्ट्रा ऐड कीजिए, और पूरी हाइट के लिए आपके पास टाइम में 0.3 सेकंड एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखिए मैंने x इंटू 5t स्क्वायर लिख दिया और x प्लस 1.65 बिकम्स 5 इंटू टी प्लस 0.1 का होल स्क्वायर,
सॉल्व मैंने किया इसको, इससे मेरे टी की वैल्यू आपके सामने 1.6 सेकंड्स आ जाती है। इसका ये मतलब हो गया जिसको मैंने टी लिया था वो ऊपर वाला हिस्सा था, यहां तक आने में 1.6 सेकंड्स, यहां आने में 1.7 सेकंड्स, और उसके बाद फिर ये आने में 0.3 और जोड़ दिए। इसका मतलब 2 सेकंड पूरी जर्नी का टाइम है मेरा उसको निकालने के लिए। द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बिकम्स 2 सेकंड। अब मैं हाइट निकाल सकता हूं बाय द फॉर्मूला 5t2। इस बारी टाइम मेरा 2 सेकंड है, पिछला टाइम टी 1.6 था, ये वाला टाइम मेरी पूरी हाइट का, इतना याद रखिएगा ये 1.6 नहीं है 2 है, इसको लेके मैंने निकाल दिया 20 मीटर। आई होप दीज न्यूमेरिकल्स विल गिव यू सम कॉन्सेप्चुअली स्ट्रेंथ इन सच क्वेश्चंस। ऑल द बेस्ट, सच वीडियोज विल कीप ऑन कमिंग, यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी ऑफ योर डाउट्स। थैंक यू।